दोस्तों, मूवी के पार्ट टू में हम देखते हैं जेल से निकलने के बाद सौ यंग से दूर रहने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपना कैरियर स्विमिंग में बनाएगा। यंग के बर्थडे के दिन सौ उसे कॉल करके पूछता है, आज तुमने क्या किया? यंग कहती है, मैं बीमार हूँ इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर पाई। आज मैं टाउन जाकर फायरवर्क्स देखने वाली थी, पर बीमार होने की वजह से जा नहीं पाई। जोउ को आइडिया आता है और फिर वो पटाखे लेकर यूनिवर्सिटी की छत पर फायरवर्क स्टार्ट करता है। यंग ये देखती है और बहुत खुश होती है। वैसे तो वो फायरवर्क देखकर सभी बहुत खुश थे। एक दिन जोउ लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा था तो उसने चैंग को किसी और लड़की के साथ देखा। चैंग उस लड़की के साथ हॉलीडेज पर कहीं जाने का प्लान कर रहा था। जोउ समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ चैंग ने यंग से प्रॉमिस किया था कि अगर वो फुटबॉल मैच जीतेगा तो वो दोनों हॉलीडेज पर जाएंगे। देन फुटबॉल मैच का डे आ जाता है। चैन गेम को जानबूझकर हारता है। जोउ जब ये देखता है तो सब समझ जाता है और यंग के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, पर यंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तो जोउ कोच के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे खेलने दें, वो उसे चांस दे देते हैं। जोउ गोल करता है तो चैन उसके पास आता है सेलिब्रेट करने, पर वो उसे मारने लगता है क्योंकि वो यंग के साथ चीट कर रहा है। पहले जोउ ने यंग को प्रॉमिस किया था कि वो कभी फाइट नहीं करेगा, पर आज उसने अपना प्रॉमिस तोड़कर चैंग को मारा और यंग से गुस्सा होकर उसकी लाइफ से चला जाता है। देन कुछ साल और बीत जाते हैं। जोउ ने स्विमिंग कंटिन्यू की और वो बहुत प्रैक्टिस करता है क्योंकि उसे नेशनल टीम में आना है। आजकल उसकी एक अमीर गर्लफ्रेंड भी है। ऐसे ही एक दिन जोउ अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था तो उसने यंग को देखा। जोउ उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि अब यंग मॉडल बन चुकी है और आज वो एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही है। वो जाकर यंग से मिलता है। उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगता है। जोउ उससे पूछता है कि वो मॉडलिंग क्यों कर रही है, उसे तो फैशन डिज़ाइनर बनना था। यंग बताती है, मुझे फैशन सीखने के लिए अब्रॉड जाना था, पर फादर की हालत ख़राब होने की वजह से यहीं रहना पड़ा, इसलिए फिर उसने मॉडलिंग ही स्टार्ट कर दी। जोउ को अच्छा लगता है कि वो मॉडल है, पर वो उससे कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें वही करना चाहिए, यानी फैशन डिज़ाइनिंग। बातों बातों में जोउ को पता चलता है कि यंग शूट के लिए किसी और सिटी में जाने वाली है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और यंग के साथ शूटिंग पर जाता है। एक दिन यंग की शूटिंग अच्छे से नहीं हुई थी। जोउ ने उसे उसके घर पर छोड़ा और यंग को उसकी ओल्ड ड्राइंग्स दिखाई। उसे देखकर यंग रियलाइज़ करती है कि उसने अपने पैशन को छोड़ दिया। अगले दिन जब वो एक और शूट के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और उसे बताता है कि हमने तुम्हारी जगह किसी और लड़की को शूट के लिए ले लिया है। इस बात से बेचारी बहुत अपसेट हो जाती है। जोउ उसे चेयर अप करने के लिए सी के पास लाइट हाउस में लेकर आता है। वहाँ अंदर जाना मना था जिस वजह से यंग डर रही थी। जोउ उससे कहता है, हम ऑलरेडी जेल होकर आए हैं इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। सी के पास आकर ये डायरेक्टर को बहुत बुरा भला सुनाते हैं जिससे यंग का मूड अच्छा हो जाता है और वो दोनों बैठकर अपने हाई स्कूल के डेज याद करने लगते हैं। याद करते करते जोउ यंग के क्लोज आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। यंग को ये सही नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक वीक निकल जाता है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। फिर एक दिन जोउ यंग को कॉल करके बताता है कि मेरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे देखने के लिए आओ। कॉम्पिटिशन की रात आई, अचानक से तूफान आ जाता है। टीवी पर न्यूज़ आती है कि जो लोग स्विमिंग कॉम्पिटिशन देखने आ रहे थे वो रास्ते में फंस गए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। जोउ को लगता है कि जो लोग फंसे हैं उनमें यंग भी होगी। वो श्योर नहीं था इसलिए कॉम्पिटिशन के लिए स्विमिंग पूल के पास आ जाता है, पर वो यंग के बारे में ही सोच रहा था। जोउ कॉम्पिटिशन छोड़कर यंग को ढूंढने निकल जाता है। यंग भी बारिश में भीगते हुए उसके ही पास आ रही थी। जोउ यंग से कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें इस तरह से खो नहीं सकता, हम जब से मिले तब से बहुत बार अलग हुए, मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये बात सुनकर यंग उसे हक कर लेती है। फिर यंग कहती है, हमें कॉम्पिटिशन में वापस जाना चाहिए, शायद तुम्हें सेकेंड चांस मिल जाए। दोनों वापस जा ही रहे थे तभी ऊपर से कुछ चीज़ यंग के ऊपर गिरने वाली थी, तो उसे बचाने के लिए जोउ उसके सामने आ जाता है। इस वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और अब वो काफ़ी टाइम तक स्विमिंग नहीं कर सकता था। ये बात यंग को अपसेट कर रही थी। जोउ ने उससे कहा,
तुम मेरे साथ हो इसलिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यंग जो को किस करती है। इसके बाद से इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई। एक साथ ही रहने लगे। यंग लेट नाइट तक वर्क करती तो जो हमेशा उसे सपोर्ट करता। यंग खुश है तो वो भी खुश था। धीरे धीरे जो का हैंड भी रिकवर होने लगा था। एक दिन दोनों वेडिंग ड्रेस की शॉप के पास से निकलते हैं। यंग ने अपने और जो के लिए रिंग खरीदी थी। वो जो को दे देती है और कहती है मैं हमेशा से हम दोनों के लिए रिंग बाय करना चाहती थी। जो उससे प्रॉमिस करता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेकर आऊँगा। अब जो को स्विमिंग स्टार्ट करनी है तो इसके बारे में पूछने वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा हाथ तो सही हो गया पर तुम कभी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। जो को ये सुनकर बुरा लगा क्योंकि वो करियर बनाना चाहता था, अब वो नहीं बना पाएगा। इसके बाद वो कई जगह जाकर जॉब ढूंढता है पर उसे जॉब नहीं मिलती। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब हो गई थी। यंग की जॉब की वजह से वो अपार्टमेंट का रेंट पे कर देते थे पर जो को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन यंग जो को शॉपिंग के लिए लेकर गई और उसे एक शर्ट पहनने को कहती है। जो नोटिस करता है कि उस शर्ट पर उसकी वही पेंटिंग बनी हुई है जो यंग ने हाई स्कूल में बनाई थी। एक्चुअली में यंग की पेंटिंग कंपनी को पसंद आई और उन्होंने वो डिज़ाइन ले लिया। जो खुश भी था और अपने और यंग के फ्यूचर को लेकर वरिड भी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं। एक फ्रेंड शादी करने वाला होता है तो वो यही बात यंग और जो से पूछता है। इस बात को लेकर जो अपसेट हो गया। वो यंग को बताता है कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे साथ आजकल कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं इस कंडीशन में तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। यंग कहती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम शादी कर लेते हैं। जो को उसकी बात मजाक लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। तैन बीमारी की वजह से यंग के फादर की डेथ हो जाती है। जो और यंग के सभी फ्रेंड्स उनकी फ्यूनरल में आते हैं। जो अपने एक फ्रेंड से कहता है अगर मैं हाई स्कूल में यंग से ना मिलता तो मेरी लाइफ क्या होती, मैं यंग को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता, इसलिए मैं पास में उससे मिलना भी रिग्रेट कर रहा हूँ। ये सारी बातें पीछे से यंग सुन लेती है और अपसेट हो जाती है। जो ने यंग से मिलना रिग्रेट किया, इस बात से यंग हर्ट हुई थी। जो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। पर फिर भी अब यंग नहीं मानती। यंग जो से कहती है कल इंटरव्यू पर जाना है, अच्छे से ट्राई करना, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए। इसके बाद से यंग उसकी लाइफ से चली गई। यंग जो को एक लेटर लिख कर गई थी जिसमें लिखा था मैं सारी चीज़ों को रिग्रेट करती हूँ, मुझे हाई स्कूल में तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, हमने जो टाइम वेस्ट किया वो वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तुम मुझसे मिलना रिग्रेट करते हो, इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा, और अगर हम साथ रहे तो एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे और मैं ये नहीं चाहती। यंग के जाने के बाद जो पूरी तरह टूट गया था। इसके बाद से जो ने खुद के लिए हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वो कॉलेज में जाकर स्विमिंग टीचर बन जाता है, उसके लाइफ अच्छे से सेट हो जाती है। फिर भी वो यंग को मिस करता रहता है। एक दिन उसे यंग का लेटर मिला। यंग ने जो को अपना वेडिंग इनविटेशन भेजा था। जो यंग को बुलाकर आगे बढ़ना चाहता था, इसके लिए वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता है। सब ने मिलकर एक बोट रेंट पर ली और सब ने मिलकर प्लान बनाया कि जो यहाँ से जा ना पाए जिससे वो यंग को भूल सकेगा। पर जब वेडिंग डे आता है तो जो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और स्विम करता हुआ किनारे तक आता है। उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ होते हैं और वो सभी यंग की वेडिंग में पहुँचते हैं। यंग के साथ उसकी फ्रेंड्स थी तो जो के फ्रेंड्स उन्हें रूम से बाहर लेकर जाते हैं। फिर जो ने जब यंग को देखा तो वो खुश होता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यंग को खुश देखकर उसे अच्छा लगता है। वो फिर से यंग की खुशी छीनना नहीं चाहता था। वो यंग को बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश देखना चाहता है। जो यंग से थैंक यू कहता है उसकी लाइफ में आने के लिए, उसे वो सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स देने के लिए। यंग ने भी अब उसे माफ़ कर दिया था और वो भी उसे थैंक्स कहती है। जो टाइम इन्होंने साथ में बिताया वो दोनों के लिए ही स्पेशल था। जो यंग को उसकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर चला जाता है और इसी सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी बताती है कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी खुशी में आपकी खुशी होती है और आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आपको ऐसी ही मूवीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।